आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड के बारे में, जो नीट का रजिस्ट्रेशन करते समय कोड की रिक्वायरमेंट होती है, जो 1 से 7 तक कोड दिए हुए हैं एनटीए ने, तो उसमें कौन सा कोड फिल करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में नीट की एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या ओपन स्कूल स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, प्राइवेट स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एनटीए द्वारा ये कोड क्यों फिल करवाया जाता है? एनटीए द्वारा ये कोड इसलिए फिल करवाया जाता है कि आप अपने प्रेजेंट स्टेटस एनटीए को बता रहे हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ड्रॉप ले रहा हूं, या बीएससी में मैंने एडमिशन ले लिया है, बीएससी पढ़ रहा हूं, या बीए बीकॉम से ग्रेजुएशन कर रहा हूं, या फिर कोई प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं, इसके बारे में आप एनटीए को इन कोड द्वारा बताते हैं। इसमें वैसे ये कोड आप फिल करने के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर 1 to 7 कोड्स के बारे में समझा देता हूँ कि आपको कौन सा कोड फिल करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट कोड 1 की बात करें, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास का एग्जाम इस साल दिया है या दे रहे हैं, 2023 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम दे दिया है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वो स्टूडेंट अपेयरिंग स्टूडेंट कोड 1 फिल करेंगे। कोड 1 सभी अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिजल्ट फॉर्म फिल करने से पहले तक नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट के आने के बाद में उनको एडमिशन के टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो मिनिमम मार्क्स की कंडीशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम पास नहीं किया है, उनके पास में रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टूडेंट कोड 1 फिल करेंगे। तो जैसे ही आप 12th की डिटेल फिल करेंगे, उसमें पास स्टेटस में 2 स्टेटस आते हैं, एक पास्ट आता है और एक अपेयरिंग आता है। तो जैसे ही आप अपेयरिंग ऑप्शन फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कोड 1 शो होगा, यानी कि ओनली 1 कोड ही शो होगा। तो ये कोड 1 इस कंडीशन में फिल कर सकते हैं। तो अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए कोड 1 जरूरी है इसमें। इसके बाद में हम कोड 2 की बात करें, तो कोड 2 उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो कैंडिडेट सारे कोड 2 फिल करेंगे, यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका है। मेनली ये कोड 1 और कोड 2 दो ही मेन है। अगर सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, वो किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, क्या करें, अगर कोड 2 फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम है नीट की वो 10+2 है, और 10+2 पास कैंडिडेट कोड 2 फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से पास किए, जिसमें प्रैक्टिकल भी शामिल है, वो कैंडिडेट कोड 2 फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें कंपल्सरी है। अब इसमें ऐसे कैंडिडेट्स जो NIOSA हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूल, या फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स, या फिर जिनके पास में 12th में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट थे, वो नीट की एग्जाम के लिए इलिजिबल हैं, लेकिन इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, ये कैंडिडेट इलिजिबल हैं, लेकिन बाद में डिपेंड रहेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। तो ये सारे कैंडिडेट्स अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम कोड 3 की बात करें, तो जिन कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, जो प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में, वो कोड 3 फिल करेंगे। कर्नाटका और महाराष्ट्र स्टेट जैसे स्टेट में इस प्रकार के एग्जाम लगते हैं, तो वो कोड 3 फिल कर देंगे यहाँ पर। अगर वो कोड 2 भी फिल करते हैं तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोड 4 वो स्टूडेंट फिल करेंगे जिन्होंने प्री प्रोफेशनल कोर्स या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में एडमिशन ले रखा है, जैसे कि किसी ने
बीएमएस में एडमिशन ले रखा है, किसी ने बी फार्मा में एडमिशन ले रखा है, किसी ने पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रखा है, किसी ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा है, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ कोड 4 फिल कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स भी कोड 2 फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर कोर्सेज कर रहे हैं, नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो कोड 2 ही फिल करेंगे। इसके बाद में कोड 5 उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, फिलहाल बीएससी सेकंड ईयर में है, बीएससी थर्ड ईयर में है, यानी कि बीएससी एग्जाम उनका फाइनल नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट कोड 5 फिल कर सकते हैं। इसमें कोड 6 वो स्टूडेंट फिल करेंगे जिन्होंने बीएससी एग्जाम पास कर ली है और वो बीएससी एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोटनी जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें 2 सब्जेक्ट जरूरी हैं, इनमें से अगर उन्होंने पास की है तो वो कोड 6 फिल करेंगे। कोड 7 एब्रोड के कैंडिडेट के लिए है। तो यहां पर मैं आपको एक बार पूरे कोड का सारांश बता देता हूं। कोड 1 वो स्टूडेंट फिल करेंगे जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं साइंस स्ट्रीम से, अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कोड 1 फिल करेंगे। कोड 2 वो स्टूडेंट फिल करेंगे जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो कैंडिडेट्स भी कोड 2 फिल करेंगे। कोड 3 जो कर्नाटक महाराष्ट्र से जिन्होंने 12th पास की है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास की है, वो फिल कर देंगे। अगर वो कैंडिडेट कोड 2 भी फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोड 4 बीएमएस या फिर प्री प्रोफेशनल कोर्स में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, बी फार्मा हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, तो वो कोड 4 फिल कर सकते हैं। कोड 5 जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में है यानी बीएससी पास नहीं किया है, तो वो कोड 5 फिल कर सकते हैं। कोड 6 जिन्होंने बीएससी पास कर लिया है वो फिल कर सकते हैं। कोड 7 एब्रोड के लिए है। तो ये तो सारी कंडीशन होगी कोड की। अब कोड को लेकर आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मेनली कोड 2 ही होता है। अगर बाकी सारे कैंडिडेट्स ने अपेयरिंग के अलावा जिन्होंने 12th पास कर लिए वो सारे कोड 2 फिल कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोड 2 क्वालिफाइंग एग्जाम दर्शाता है ये। इसके बाद में कोड के बाद में हम इसमें एलिजिबिलिटी की मिनिमम मार्क्स की बात करें तो नीट 23 के लिए कैंडिडेट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना चाहिए, इंडिविजुअली पास होना चाहिए, इन सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना चाहिए कैंडिडेट को। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में जो कैंडिडेट जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ये मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए यानी सभी का टोटल होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट का। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, बाकी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40%, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% मार्क्स इन तीन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है मिनिमम मार्क्स की। एम्स का मिनिमम मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन नीट का और जिपमर का सेम ही है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए नीट से एडमिशन होगा उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये मैं सोचता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोड कौन सा फिल करना है आपको। फिर भी अगर आप पास कर लिए आपने 12th और कोड 2 फिल कर देते हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो अभी करेक्शन विंडो ओपन होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगे उसके 5 या 7 दिन बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा, तब आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, वैसे इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और साथ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है रजिस्ट्रेशन करते समय, ये हम आपको समय समय पर वीडियो बना के आपके डाउट्स दूर कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेकर के आते रहते हैं। नीट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।